तो चलिए ये समझते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस कैसे होता है। सो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक सोर्स ऑफ लाइट एस होता है, देयर इज अ सिंगल स्लिट, और इस सिंगल स्लिट का काम है टू क्रिएट कोहेरेंट वेव्स। लाइट जब इस सिंगल स्लिट से पास करता है, इट एक्ट्स एज अ फिल्टर और कोहेरेंट लाइट सोर्सेस प्रोड्यूस करता है, और उससे निकलने वाला लाइट पासेस थ्रू अ डबल स्लिट, एंड देन उससे निकलने वाला लाइट गोज एंड हिट्स अ स्क्रीन, और वहां पे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखते हैं। सो लेट्स सी इट इन एक्शन। सो एज यू क्लियरली सॉ, सोर्स से लाइट निकला, पास थ्रू द टू स्लिट्स एंड फॉर्म्ड alternate black and dark and bright bands on the screen. ये जो slit size है, उस slit की size wavelength के order में होती है. So जो wavelength of light जितना होता है, उसी size का लगभग ये slit का size भी होता है. So let's see another view of this. Source S है, double slit के through pass करता है and screen दूर रखा हुआ है. सो सोर्स एस से स्लिट्स एस वन एस टू पे लाइट जाता है, और फिर वहां से इट गोज एंड हिट्स अ पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन। इस पी का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर हम मान के चलते हैं वाई, और वो जो दोनों स्लिट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस हम मान के चलते हैं स्मॉल डी, विच मीन्स सेंट्रल लाइन से ऊपर का स्लिट डी बाई टू ऊपर है एस वन, एंड एस टू इज डी बाई टू बिलो द सेंटर, और स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस हम कैपिटल डी मानेंगे। अब होता क्या है कि S1 और S2 से वेव्स निकलते हैं, वो P तक पहुंचते पहुंचते एक फेज डिफरेंस आ जाता है, और उसकी वजह से एक पाथ डिफरेंस आ जाता है, विच इज एस टू पी, विच इज द पाथ फॉलोड बाय लाइट फ्रॉम S2 एंड माइनस एस वन पी। एस टू पी माइनस एस वन पी ही पाथ डिफरेंस है। अब एस टू पी माइनस एस वन पी निकालने के लिए सबसे पहले हम S2O2P ट्राइंगल देखेंगे जो रेड में हाइलाइटेड है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज S2P का स्क्वायर इज d स्क्वायर विच इज द बेस, एंड y प्लस डी वाई टू द होल स्क्वायर जो उसका ऑल्टीट्यूड है। y प्लस डी वाई टू ऑल्टीट्यूड क्यों है? क्लियरली O2P इज नथिंग बट OP जो y है, और OO2 जो डी वाई टू के बराबर है। सिमिलरली मुझे अगर S1P निकालना है तो मैं दूसरा ट्राइंगल देखूंगा, ऊपर वाला S1O1P, उसमें मैं पाइथागोरस लगाऊं तो अगेन आई कैन से S1P स्क्वायर इज d स्क्वायर प्लस y माइनस d बाई टू द होल स्क्वायर। सो अगर मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है, वो इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा मुझे। सो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर हो जाता है d स्क्वायर प्लस y प्लस d बाई टू द होल स्क्वायर माइनस d square plus y minus d by 2 the whole square, दोनों को subtract करके ये मिलता है मुझे। अब left hand side में मैं a plus b into a minus b लगा सकता हूँ, a square minus b square, और right hand side को आप simplify करो, it turns out to be 2yd। अब small d अगर capital D से बहुत छोटा है तो हम approximately कह सकते हैं कि S1P S2P के बराबर है, दोनों capital D के बराबर ही होंगे, right? Hence I can say that S2P minus S1P delta है, which is the path difference, and S2P plus S1P for large distances मैं approximately कह सकता हूँ 2D के बराबर है। So इसको simplify करके the path difference turns out to be y small d upon capital D. तो in the double slit experiment path difference y small d upon capital D होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे bright fringe का position निकालना है, P पे ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, यही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन होता है जहां पे n इंटीजर होता है। नाउ दैट मींस y n हैज टू बी, अगर मैं ट्रांसपोज करूं y d बाई d इज n लैम्डा का मतलब y है n d लैम्डा बाई स्मॉल d, तो y n इज n कैपिटल d इंटू लैम्डा बाई स्मॉल d। तो इसका मतलब n इक्वल टू जीरो पे फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज सेंटर पे आएगा, y नॉट इक्वल टू जीरो, n इक्वल टू वन पे पहला फ्रिंज दूसरा फ्रिंज आएगा विच इज बेसिकली d लैम्डा बाई d डिस्टेंस पे सेंटर से, n इक्वल टू टू पे दूसरा फ्रिंज आएगा विच इज 2d लैम्डा बाई d एंड सो ऑन। सिमिलरली मुझे अगर डार्क फ्रिंज का पोजिशन निकालना है, डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन है y d बाई d मस्ट बी 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2।
तो इसका मतलब यह है कि वाई एन डैश जो डार्क फ्रिंज का पोजिशन है वो होगा 2n+1 डी लैमडा बाई 2d। तो इसका मतलब जो पहला डार्क फ्रिंज है वो होगा डी लैमडा बाई 2d पे, फिर दूसरा होगा 3d लैमडा बाई 2d पे एंड सो ऑन। सो द की थिंग टू रिमेंबर हियर इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में yd बाई कैपिटल डी इज द पाथ डिफरेंस, ब्राइट फ्रिंज के लिए वो n लैमडा के बराबर होना चाहिए और डार्क फ्रिंज के लिए 2n+1 लैमडा बाई 2 के बराबर होना चाहिए, और उससे आपको ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की पोजीशन मिलेगी एज शोन इन द स्क्रीन। अब हम फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन निकालते हैं, किसी भी कोई भी फ्रिंज कितना मोटा होता है इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। सो लेट्स टेक अ फ्रिंज लाइक दिस, फ्रिंज पैटर्न लाइक दिस, सेंट्रल पॉइंट डॉटेड लाइन से डिनोटेड है। यहां पे फ्रिंज विड्थ के लिए व्हाट आई नीड टू डू इज n-1th फ्रिंज और nth फ्रिंज, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही फ्रिंज विड्थ होगा, विच इज डिनोटेड बाय β_b। तो β_b इज द डिफरेंस इन द पोजिशन ऑफ द nth एंड द n-1th डार्क फ्रिंज। सो किसी भी फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए हम दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के पोजिशन डिफरेंस को निकालेंगे। तो अगर मैं इवैल्यूएट करूं, मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है yn डैश और yn माइनस 1 डैश का फॉर्मूला, वो हो जाएगा 2n+1 d लैम्डा बाय 2d माइनस 2n-1+1 d लैम्डा बाय 2d। ये कंसेक्यूटिव का डिफरेंस है और इसको इवैल्यूएट करने पे फ्रिंज विड्थ आता है d लैम्डा बाय d, कैपिटल d * लैम्डा बाय स्मॉल d। सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द ब्राइट फ्रिंज विड्थ। सो ब्राइट फ्रिंज विड्थ के लिए मैं दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस का डिफरेंस लूंगा और वो ये एक्सप्रेशन से मिलता है हमें। सो क्लियरली इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे स्मॉल डी स्लिट का सेपरेशन डिक्रीज होता है, फ्रिंज विड्थ बढ़ता है। अगर मुझे डार्क फ्रिंज विड्थ निकालना है तो मैं nth और n-1 ब्राइट फ्रिंज का डिफरेंस लूंगा मैं। सो दैट वुड बी yn-yn-1। तो ये हो जाएगा nd लैम्डा बाई डी माइनस n-1 d लैम्डा बाई डी। उससे भी सेम ही एक्सप्रेशन आता है, डार्क फ्रिंज विड्थ भी d लैम्डा बाई डी ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्रिंजेस हैं वो इक्वली स्पेस्ड ऑन द स्क्रीन है, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है क्योंकि डार्क फ्रिंज विड्थ और ब्राइट फ्रिंज विड्थ दोनों का विड्थ सेम है। इट इज इक्वल टू कैपिटल d * लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल d। Now, the next thing you need to remember is all bright fringe have the same intensity or all dark fringes unki zero intensity hoti hai by definition. So, agar main intensity ko plot karu as a function of distance, wo aise vary karega. Center pe hamesha bright fringe hota hai. So, clearly you can see at the origin there is an amplitude. Then dark fringe आता है, फिर bright fringe, then intensity घटते जाता है, फिर से dark fringe आता है, and so on.